अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि माइक्रोटिक में TFTP क्या होता है। TFTP बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं माइक्रोटिक के ज़रिए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसमें जस्ट सर्वर पोर्ट में जाएं और सर्वर पोर्ट 21 को इनेबल कर दें। उसमें IP में जाएं दोबारा। उसके बाद फायरवॉल में जाएं। फायरवॉल में होता है सर्वर पोर्ट होती हैं, इसको भी हमने ऑन कर देना है। ठीक है, इसको भी हमने इनेबल कर देना। तो हमने इसे भी इनेबल किया। और उसके बाद इसमें फाइल्स होती हैं, फाइल में जो भी डाटा रखना हो हम रख सकते हैं। फर्ज करेंगे मैंने यहाँ से कोई भी छोटी फाइल है उन्हें लेके उधर रखनी है। जस्ट ये मैंने कॉपी की इधर से। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, वो फाइल इधर आ गई है, इधर ही पड़ी होगी। ठीक है, वो फाइल ये पड़ी हुई है। उसके बाद ये डॉक फाइल। उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाके हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे FTP। उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद दो स्लैशेस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी IP होगी, जो हम आगे यूज़र को दे रहे हैं यानी गेटवे, वो हम इधर गेट पे लगाएंगे 192.168.20.1। उसके बाद फिर हम स्लैश लगाएंगे, उसको हम ओके करेंगे। तो हमारे पास इसे यूज़र नेम और पासवर्ड ओपन हो जाएगा, जो हमारा एडमिन का है, जो वैसे भी जो भी है। तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम लगाएं। ठीक है, उसके बाद सेव करना है तो यहाँ पे टिक कर दें, नहीं करना तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया तो वो फाइल मेरे पास आ गई है। इसमें बैकअप था, जो भी था, जो कुछ भी था। जब मैं उसको ओपन करता हूँ, स्क्रिप्ट में जाता हूँ, तो स्क्रिप्ट में वही फाइल पड़ी होती है जो मैंने अभी पेस्ट की थी, वही फाइल इधर पड़ी है। ठीक है, और इसमें हमने यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे यूज़र को क्रिएट करके देना है वो भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो हम इधर जाएंगे सिस्टम में जाके, यूज़र में जाके यहाँ पे हमें प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे जो भी इसका नाम है, जो भी कुछ भी है, वो लगा देना है। एस डबल ए कुछ भी बकास लगा देते हैं। हमने अभी जो एसएस देनी है ना, जो ग्रुप की एसएस देनी है, ना ही फुल देनी ना राइट ना रीड, हमने इसे जस्ट रीड की एसएस देनी है। ठीक है, ताकि वो पढ़ ही सके और कॉपी कर सके डाटे को, और कुछ ना कर सके। उसके बाद हमने जो पासवर्ड देना है, वन जो भी हमने पासवर्ड से देना है वो हमने दे देना है और इसे अप्लाई कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रीड की इसे एक्सेस हो गई। और ये आ रहे, जब किसी यूज़र को एक्सेस देनी है तो हमारे जो बैकअप पड़े हैं ना, उनको ख़त्म कर देना है सिस्टम से, उन्हें डिलीट कर देना है। तो इस तरह ये सेफ्टी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।